नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस से। जनकपुर में एक पुरुष के सब भेटल, कोनो सवारी साधन के ठक्कर से जान गेल, पुलिसक अनुमान। एसई परीक्षा शुरू, परीक्षा करा मर्यादित आ अनुशासित बनावा, जिला शिक्षा अधिकारी के सुझाव। देश के तीव्र विकास के बाट में ल जाए सब प्रदेश सरकार के मिल का काम करा, प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली का आग्रह। जनकपुर के विकास निर्माण में मुख्य बाजार किछ घर सब अवरोधक, स्वैच्छिक रूप में नहीं हटेलक तो चैत 10 गते अतिक्रमण डोजर चलाबक, जनकपुर मेयर के चेतावनी। आ डाटा चोरी भेल, फेसबुक द्वारा स्वीकार, फेसबुक प्रयोगकर्ता सामग्री तेसर पक्ष जानकारी नहीं लेबा सकत के व्यवस्था करब, जुकरबर्ग के प्रतिबद्धता। अब समाचार विस्तार से। जनकपुर में एक पुरुष के शव भेटल। जनकपुर ढल के बरसरक खंड में जनकपुर उप महानगर पालिका न रहनिहार 48 वर्षीय रेवती रमन लाल के कर्ण के शव भेटल। बृहस्पति दिन भोर 5:30 बजे सड़के में कर्ण के शव देखलाक बाद स्थानीय पुलिस के खबर केने छलथि। मृतक के गाल में सामान्य चोट पाए, कतौ चोट पटक नहीं लागल। मृतक के गाल में चोट देखेला से कोनो सवारी साधन के ठक्कर से हुनकर जान गेल के पुलिस आशंका केने अछि। सबके पोस्टमार्टम के लेल जनकपुर अंचल अस्पताल में राखल गेल आ घटनाक विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौने अछि। माध्यमिक शिक्षाक परीक्षा अर्थात एसईई आई से शुरू भेल अछि। एहि वर्ष करीब 5 लाख परीक्षार्थी सहभागी भेल छथि। सबसे बेसी परीक्षार्थी प्रदेश नंबर 3 में आ सबसे कम प्रदेश नंबर 6 में रहल छथि। परीक्षा के व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाबा 64,000 जनशक्ति परिचालित भ रहल अछि। एक रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात एसईई बृहस्पति दिन से संचालन होवय जा रहल छै। एहि वर्ष देश भर कऽ एसईई में 4,85,586 परीक्षार्थी सहभागी भ रहल छै। परीक्षा के लेल 1,956 केन्द्र निर्धारण कयल गेल छै। केन्द्र में ओतबे संख्या में केन्द्राध्यक्ष, 2,450 सहायक केन्द्राध्यक्ष, 20,340 निरीक्षक, 10,676 सहयोगी आ 29,340 सुरक्षाकर्मी कक 64,762 जनशक्ति परिचालन कयल जा रहल छै। साधारण दिशक 17 गते धरि आ प्राविधिक दिशक 20 गते धरि संचालन होवय वाला परीक्षा में सबसे बेसी परीक्षार्थी प्रदेश नंबर 3 से आ कम परीक्षार्थी प्रदेश नंबर 6 से रहल छै। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्डक अनुसार प्रदेश नंबर 3 से 1,83,062 गोटे आ प्रदेश नंबर 6 से 38,592 गोटे परीक्षार्थी सहभागी भ रहल छै। तहिना प्रदेश नंबर 1 से 84,290, प्रदेश नंबर 2 से 70,402, प्रदेश नंबर 4 से 48,954, प्रदेश नंबर 5 से 79,251, प्रदेश नंबर 7 से 55,775 परीक्षार्थी सहभागी होवय जा रहल छै। जाहि में से परीक्षा में नियमित दिस छात्र में 2,27,204, छात्रा में 2,23,311, पूरक परीक्षा दिस छात्र में 9,247 आ छात्रा में 14,824 रहल छै। अनुतीर्ण परीक्षार्थी आ अक्षरांक पद्धति के नतीजा में विभिन्न विषय में सी ग्रेड वा ओहिसे नीचा ग्रेड प्राप्त भ ग्रेड वृद्धि परीक्षा में समेत ग्रेड वृद्धिकरण नहीं सकल परीक्षार्थी के लेल समेत पूरक परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देवाक व्यवस्था मिलल गेल छै। एहि वर्ष माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071 अनुसार प्रश्न पत्र के आधार में परीक्षा संचालन कयल जा रहल छै। जाहि अनुसार अनिवार्य विषयक गणित बाहेक बाकी सब में प्रयोगात्मक परीक्षा के व्यवस्था कयल गेल छै। तहिना प्रयोगात्मक परीक्षा के व्यवस्थापन संबंधित विद्यालय आ विषय शिक्षक से कयल जायत। परीक्षा के लेल सब प्रदेश समेट कऽ राष्ट्रीय परीक्षा बोर्डक पदाधिकारी तथा शिक्षा मंत्रालय के सहसचिवक नेतृत्व में अनुगमन टोली, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशालय में अपन क्षेत्र भीतर अनुगमन टोली आ जिला में परीक्षा समन्वय समिति के पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारी के अनुगमन टोली गठन कयल गेल छै। परीक्षा मर्यादित बनाबा अनुगमन टोली सब खटाओल गेल छै। ई अनुगमन टोली परीक्षा के मर्यादित, अनुशासित आ व्यवस्थित करबाक आ अमर्यादित काज के निहार के वा कर उकसावय वाला के तत्काल कार्रवाई कयल जा सकय वाला जिम्मेवारी देल गेल छै। परीक्षा में बाधा व्यवधान पहुँचाबैत अमर्यादित काज के निहार के 1,00,000 धरि जरिमाना वा 6 महीना कैद वा दुनू सजाए हेबाक व्यवस्था सेहो कयल गेल छै।
एहि वर्ष प्रदेश स्तरीय परीक्षा संभव नहि भेल पर अगला वर्ष सँ प्रदेश स्तर में एसईई परीक्षा संचालन करबाक राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड दावी कयलक अछि। एम्हर धनुषा में सामुदायिक विद्यालय दिस सँ 8,265 आ निजी सँ 2,799 कऽ 11,064 परीक्षार्थी सहभागी भऽ रहल छै। धनुषा में 43 परीक्षा केन्द्र तोकल गेल छै। परीक्षा मर्यादित बनाव 430 सुरक्षाकर्मी खटाओल जा रहल छै। तहिना महोत्तरी में 8,023 परीक्षार्थी सहभागी भऽ रहल छै। 29 परीक्षा केन्द्र के लेल हरेक केन्द्र में 15 सुरक्षाकर्मी खटेबाक व्यवस्था कयल गेल छै। तहिना कऽ कऽ सिरहा में 9,877 परीक्षार्थी सहभागी भऽ रहल छै। तहिना सप्तरी में 9,597 परीक्षार्थी सहभागी होबय जा रहल छै। सप्तरी में प्रत्येक केन्द्र में 15 सुरक्षाकर्मी सहित 1,237 जनशक्ति परिचालन भऽ रहल छै। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश के तीव्र विकास के बाट में लौ जाके सब के प्रदेश सरकार के मिल कर काम करे के आग्रह केने छथि। प्रधानमंत्री ओली प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सब संग सामूहिक परामर्श क मिल कर देश के तीव्र विकास के बाट में लौ जाके आग्रह केने अछि। काल सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में आयोजित परामर्श कार्यक्रम में बाजत ओ विकास निर्माण के काम कर सकत कह कर छूट केकरो भी कोनो भी तह के सरकार के नहीं रहल स्पष्ट कलन। सब तह के सरकार से मिल कर देश के द्रुत गति में विकासक बाट में अग्रसर कराब सब प्रदेश के मुख्यमंत्री सब के प्रधानमंत्री आग्रह के ने प्रधानमंत्री प्रमुख राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल जानकारी दिलन। एहि अवसर में प्रधानमंत्री ओली स्रोत साधन के अभाव के बीच में रह कर से हो देश निर्माण के अभियान में सहभागी होब पड़े के समय आयल बतौने छला। ओ प्रदेश के मुख्यमंत्री सबके समस्या समाधान कर जका सरकार श्वेत पत्र जारी कर लागल से हो जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री ओली संघीयता के सफल बनाब के विकल्प नहीं रहल उल्लेख करते एकरा लेल आवश्यक एन कानून निर्माण आ स्रोत साधन के व्यवस्थापन कर में देरी कर के नहीं हाथ बतौने छलैत। प्रदेश सरकार के मुश्किल के विषय में प्रधानमंत्री के जानकारी करायल गेल। प्रदेश 5 के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल जानकारी दिलन। ओ जनशक्ति व्यवस्थापन पूर्वाधार विकास आ अय के लेल आवश्यक स्रोत आ साधन व्यवस्थापन के विषय में प्रधानमंत्री संग बात कयल गेल से हो बतौलन। प्रदेश समस्या के विषय में प्रधानमंत्री के जानकारी कराओल गेल। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राव से जानकारी देने छथि। ओ वित्त आयोग गठन के विषय में से हो देरी नहीं कर केंद्र सरकार संग आग्रह के ने बतौने छथि। एहि अवसर में रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल गृह मंत्री रामबहादुर थापा अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतेवड़ा से हो अपन मंत्रालय से प्रदेश सरकार के उपलब्ध कराब वाला नीतिगत संरचनागत तह के विषय में आवश्यक जानकारी कराने छलथि। प्रदेश सरकार के उपराग संबोधन कर प्रधानमंत्री ओली प्रदेश के सब मुख्यमंत्री प्रदेश सचिव आ मुख्य न्यायाधिवक्ता के बजाक परामर्श केने छलथि। परामर्श प्रदेश सरकार के काम कार्यवाही प्रभावकारी होब प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय से विश्वास व्यक्त कयल गेल अछि। प्रदेश सरकार काम कर आवश्यक बजट आ कानून सेहो नहीं भेल के उपराग करैत आबि रहल अछि। वर्षों से अल्पत्र रहल जनकपुर के विकास कार्य गति लेबे लागल अछि। जनकपुर के विकास अंतर्गत सड़क विस्तार के काम सेहो भ रहल अछि। जे अनुसार जनकपुर के शिवचौक से लक बानु चौक तक सड़क विस्तार के काम चैत 10 गते से शुरू होबे लागल अछि। एक रिपोर्ट। ई दृश्य छै जनकपुरक शिवचौक भानु चौक सड़क खंडक। जर्जर अवस्था में देखल गेल ई सड़क खंडक विस्तार तथा निर्माण काज जल्दी तीव्रता पावे लागल छै। इस सड़क खंड में अतिक्रमण क के बनल घर तथा भवन सब जल्दीए टूटे लागल छै। जनकपुर उप महानगर पालिका सड़कक अतिक्रमित क्षेत्र चैत 9 गते धरि खाली कर सूचना निकलनाय के संगे माइकिंग करैत आयल छै। भानु चौक से शिव चौक धरिक 320 मीटर लंबा इस सड़क खंड के विस्तार कयल जा रहल छै। अखन 42 फीट चौड़ा रहल इस सड़क खंड के 52 फीट चौड़ा बनेबाक योजना छै। त्या 9 गते से पहिने ही अतिक्रमित भूभाग खाली कर उप महानगरपालिका सर्वसाधारण के सूचित करैत आयल छै। जनकपुर उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह चैत 9 गते भीतर सड़क में पड़े वाला घर तथा भवन अपने से तोड़ कर नहीं हटाओल गेला पर चैत 10 गते से डोजर लगा कर तोड़बाक चेतावनी समेत दऽ रहल छथि। लेकिन अखन धरि अहाँके ओ सब जे छै से नहि बढ़लखिन ओहि दिशामे तऽ हमरा सबके आब जे छै चूँकि प्रोजेक्ट धरापमे पड़ि रहल छी आओर रिक्वेस्ट आग्रह कयलाके बावजूद भी लोक नहि बुझैके लेल तैयार छथिन तऽ हमरा सबके जे मापदण्ड अनुसार जे काज करैके छै जे प्रोजेक्टके स्वीकृति छै ताहिके आधारपर काज करैके छै तऽ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका ओहि दिशामे आब आगू बढ़तै आओर हमसब आग्रह करबनि आम लोकके
जे मतलब अपन अपन मतलब साइट से क्लियर समय पर से कह देथिन तो बढ़िया रहते, अन्यथा मतलब से नगर पालिका के आगा से अहाँ कदम चलब पड़ती। ओतबे मात्र नहीं, घर तोड़ लागे वाला खर्च समेत संबंधित व्यक्ति से असूल ऊपर करवाक उप महानगरपालिका चेतावनी देने। जनकपुर उप महानगरपालिका के उप मेयर रीता झा वर्षों से ओझराहट में पड़ल जनकपुरक विकास करबाक समय आयल, ते आब कोनो भी हालत में पाछा नहीं हटबाक प्रतिबद्धता जनाय रहल छथि। ओ विकासक काज में सहयोग कर नगरवासी संग अपील समेत केने छथि। तहिना अगर अई रोड में अगर लाग रहल डोजर लाग रहल दोसर रोड वाला कहथिन कि हम सब अपने तोड़ लै छी, अपने नहीं लगा लियो तो हम सब नहीं लगाब, एक बेर हम सब ओहन आदमी नहीं छी से डोजरे से तोड़वाब, कैला कि डोजर लगाब तो क्षतिपूर्ति अहाँ के देवे पड़त, ओकर खर्चा अहाँ के देवे पड़त, तै लऽ कऽ हमसब नहीं चाहै छी। तै लऽ अपने सबसे आग्रह करै छी सम्पूर्ण नगरवासी सब के अपने सब सहयोग कयल जाय विकास के लेल। जनकपुर धाम बनि गेल, जनकपुर राजधानी होबे जा रहल अछि। ओना त ऐसे पहिनहु सड़क विस्तार करबाक काज बेर बेर भेल छै, मुदा विकासक काज में बाधा व्यवधान सेहो होइत आयल छै, मुदा अइ बेर सब बाधा के सामना क क आगा बढ़बाक जनकपुर उप महानगरपालिका वडा नंबर 3 के अध्यक्ष दीपेंद्र शाह बताय रहल छथि। कोनो जनता से ई आशंका नहीं राखी कि नगर पालिका नहीं तोड़त, नगर पालिका तोड़बेटा करत, अहाँ के जे भी एक रिजल्ट हेतै ओ हमसब बाद में अहाँ के झेल लेबै, मोर तोड़ वाला काज छै हमसब तोड़बे करब। तहिना जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष ललित शाह विकासक काज में सबक सहयोग आ साथ आवश्यक रहल बताय रहल छथि। जनकपुर उद्योगी व्यवसायी के साथ मिला के हम सब विकास के लेल दुर्गा कांध में कांध मिला के हम सब के जनकपुर उद्योग व्यवसायी के जते भी टीम है सारा साथ में छियै, जनता के और अ क्षेत्र के जनकपुर वासी के साथ मिला के उनका कन्विंस करे हम सब विकास में अगाड़ी बढ़ू, वही में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ साथ में है, हम अभी वचन दे तैयार छे। पहल चरण में उप महानगरपालिका शिवचौक भानुचौक सड़क खंडक अतिक्रमण हटाव लागल छे, एकर बाद और स्थानक अतिक्रमण से हटेबाक उप महानगरपालिका के योजना है। 20 वर्ष से स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन बनल छल, आब ई अवस्था नहीं है। आशा कैल जाए वर्षों से जर्जर बनल जनकपुरक विकास निर्माण काज में स्थानीय निकाय अपन जिम्मेवारी प्रतिबद्ध भ कऽ पूरा करत। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा पर्सन विकास कापड़क संग सुमित मिश्राक रिपोर्ट। एडीबी विकास निर्माण के काम में जनकपुर धाम के भानु चौक से लक जनक चौक धरि रहल अवरोध हटाव उद्योगी वाणिज्य संघ से हो सहयोग कर लागल। जनकपुर उद्योगी वाणिज्य संघ के टोली जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह के ज्ञापन पत्र बुझावत। विकास निर्माण के काम में देरी भ रहला से धूला गर्दा के कारण व्यापारी सब के समस्या भ रहल कह के काम जल्दी समाप्त कर पड़त आ अ में अपने सब के सहयोग रहत बतौलन। खेला के बावजूदो हम सब विकास में बहुत पछाड़ी पड़ल छी, तै हिसाब से हम सब आब अगाड़ी से हम सब बढ़ रहल छी, हमरा सब के विकास में कोनो हम सब कम्प्रोमाइज करे लागि तैयार नै छी। हमर सब के उद्योगी व्यवसायी नगर पालिका अभी हमर सब के जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर साहब जोड़े मिल के विकास में उनका कांध में कांध मिला के जनकपुर वासी जनकपुर उद्योगी व्यवसायी के साथ में लग के हम सब विकास के लेल दुर्गा कांध में कांध मिला के हम सब के जनकपुर उद्योग व्यवसायी के जते भी टीम है सारा साथ में छियै, जनता के और अ क्षेत्र के जनकपुर वासी के साथ में लग के उनका कन्विंस करे हम सब विकास में अगाड़ी बढ़ू, वही में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ साथ में है, से हम अभियो वचन दे तैयार छे। ज्ञापन पत्र बुझाबक क्रम में ओहि ठाम रहल रमन कंस्ट्रक्शन प्रणाली के संचालक बलराम महतो किछ घर सब अवरोध रहल आ अय में केकरो भी अपना सबके सहयोग नहीं के नहीं के उपराग व्यक्त के छलैत। ओ अपने हमेशा पानी के फोहारा मात्र देव नहीं सकल बतौलन। देश के अन्य क्षेत्र में मात्र एक वर्ष में होबय वाला काम अपने गृह नगर जनकपुर में अखन धरि नहीं कर सकल, अपना सबके लज्जा महसूस भ रहल महतो कहब छलैन। आई परिक्रमा रोड जो हब परिक्रमा रोड एक वर्ष से ज्यादा भगल रोड में, जबकि अतेक रोड बनब में 4 किलोमीटर रोड बनब में 1.5-2 महीना के काम है, हम एको बरस में अभी तक ले हम रोड नहीं बना पैन छी, टुकड़ा टुकड़ा डिस्टर्ब छे, 3 मुद्दा खेप रहल छे, मुद्दा हमरो सब पर बाकी नहीं रखने छे जनता जनार्दन, लेकिन नहीं कर पाबि रहल छी विभिन्न कारण से अवरोध सब छे,
जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका मेयर लाल किशोर शाह विकास निर्माण के काम में उद्योग्य वाणिज्य संघ देखौने तदारुकता सराहनीय रहल बतौलन। ओ चैत 10 गते से संपूर्ण अवरोध सब हटा कर उपमहानगर पालिका डोजर चलात सेहो बतौने छथि। जनक चौक तक के जे अवरुद्ध भेल छै तकरा जे छै जल्दी से जल्दी निर्माण काज ओकर सम्पन्न कयल जाए, पीच देखी ईसब जे बनायल जा रहल छै आओर ओसब बहुत ही सकारात्मक छलखिन हँ, चूँकि धूलाके प्रकोप भऽ रहल छै, बरसात हेतै तऽ कोनो हालत कीचड़ भऽ जेतै, उद्योग व्यवसायपर मतलब जे प्रभाव पड़ि रहल छै। हुनका सबके छलनि जे जनकपुर धाम महानगरपालिका जे एखन एकटा तीव्रता के साथ काम के आगारी बढ़ावा के जो प्रयत्न शुरू कल की है एकीकृत शहरी विकास आयोजना वाला तक और तीव्रता दिल जाए और हम सब से पूरे काम में हम सब से साथ छी और जहाँ जहाँ अवरोध हटाबक के समस्या। किछ घर धनी सब स्वैच्छिक रूप में सड़क में पड़े वाला घर के भाग नहीं तोड़ला से विकास निर्माण के काम सुस्त भेल। जनकपुर के दुकानदार सब समस्या भोग पड़ रहल एठाम के स्थानीय सभक कहब छन। धनसा के वन जंगल के फड़ानी जिला वन कार्यालय के अधिकृत के मिली भगत में भ रहल सहायक वन अधिकृत सर्वनारायण राय आरोप लगौने छथि। इलाका वन कार्यालय गोदार के सहायक वन अधिकृत सर्वनारायण यादव काल्हि विज्ञप्ति निकाल कर जिला वन कार्यालय अधिकृत अशोक कुमार झा पर आरोप लगौने छथि। वन माफिया सब संग मिल कर अधिकृत झा वन नाश जंगल विनाश में लागि पड़ल सेहो ओ आरोप लगौलनि। वन एन 2049 आ वन नियमावली 2051 विपरीत के काम भ रहल सेहो राय आरोप छन्। सहायक वन अधिकृत राय अविलंब उच्च स्तरीय आयोग गठन कर छानबीन करे के मांग सेहो केने छथि। झा नियम विपरीत कटानी करे वाला के दंडित नहीं कर उल्टे प्रोत्साहन कर रहल आरोप हुनकर छनि। यातायात व्यवस्था विभाग 20 वर्ष पुरान 110 सार्वजनिक गाड़ी जब्त कलक अछि। चैत 1 से 14 अंचल यातायात व्यवस्था कार्यालय सड़क में अनुगमन कऽ 20 वर्ष पुरान सवारी जब्त शुरू करय में अखन धरि 110 गाड़ी जब्त केने विभाग के महानिर्देशक रूप नारायण भट्टराय जानकारी देने छथि। प्रदूषण आ सवारी दुर्घटना बढ़ल कहि कऽ सरकार चैत 1 से देश भरि के सड़क में 20 वर्ष पुरान सार्वजनिक गाड़ी चलय में रोक लगौने अछि। देश भरि 20 वर्ष पुरान सवारी के संख्या 16,961 रहल विभाग जनौने अछि। सरकार हरियर प्लेट मीटर टैक्सी आ अन्य सार्वजनिक यातायात के सवारी के 20 वर्ष नियम लगेलाक बादो निजी आ सरकारी नंबर प्लेट के गाड़ी में सेहो 20 वर्ष मापदंड लागू करय पड़े के मांग बढ़ल अछि। दू नंबर प्रदेश में सेना नमूना के रूप में सैन्य भर्ना छनौट तैयारी प्रशिक्षण संचालन कयल गेल अछि। मध्य पूर्वी प्रेतना हेडक्वार्टर छनौट तैयारी प्रशिक्षण शुरू कयलक अछि। एहि अनुरूप महोत्तरी के प्रकौली स्थित फर्स्ट राइफल गन के पैरक में करीब 30 प्रशिक्षार्थी के सेना में भर्ना होब प्रशिक्षण देल जा रहल अछि। हुनका सबके लोक सेवा के तैयारी कक्षा शारीरिक तंदुरुस्ती तथा छनौट प्रक्रिया के विषय में प्रशिक्षण देल जा रहल अछि। मधेसी मूल के युवा युवती सबके नेपाली सेना में आकर्षित करत तथा छनौट प्रक्रिया में सरलता आ सहजता लाब प्रदेश 8 जिला में सैन्य भर्ना छनौट तैयारी संबंधी प्रशिक्षण द रहल अछि। ई प्रशिक्षण से मधेसी मूल के युवा युवती के सेना में भर्ती होब में सहज हैत आ हौसला बढ़त प्रशिक्षक सब जनौने छथि। मधेसी कोटा सेहो खाली जाके वा कोटा से न्यून छनौट होब लगलाक बाद मध्य पूर्वी प्रेतना हेडक्वार्टर एहन प्रशिक्षण शुरू कलक अछि। सेना समावेशी तरफ 45% आरक्षित कोटा के लक्षित करत ई कार्यक्रम आगू बढ़ौने अछि। प्रदेश के 8 जिला में से धनुषा में 90, सप्तरी में 50, रोहतहट में 60 कक कुल 200 गोटे के लेल भर्ना खुलल में करीब 1200 से बेसी आवेदन पड़ल अछि। एहि में से 8 जिला के मिलाकर 380 गोटे प्रशिक्षण लऽ रहल छथि। नेपाल के इंजीनियर सबके 15 राष्ट्रीय सम्मेलन काठमांडू में शुरू भेल अछि। नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन के आयोजना में बुध दिन से शुरू भेल सम्मेलन 3 दिन धरि चलत। सम्मेलन में बाजत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ नेपाल में राजनीतिक एजेंडा पूरा भ चुकला से अब नेपाली जनता के विकास आवश्यकता रहल बतौलन। ओ विकास निर्माण सरकार मंत्री सब सफल हाथ के अवस्था रहला कारण सब विकास के अभियान में लागल बतौने छथि। ऊर्जा मंत्री वर्षमान पुन सेहो देश के आर्थिक समृद्धि तरफ ल जाय के लेल 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करय के प्रतिबद्धता व्यक्त केने छथि। एहन नहीं कयल गेल त देशभक्ति कहि कऽ
बात भाषण में मात्र सीमित हैत हुनकर तर्क छलनि। सम्मेलन में देशभर के इंजीनियर सब के सहभागिता रहल अछि। सम्मेलन सँ नेपाल के भौतिक पूर्वाधार निर्माण के काम तीव्रता पाउत के अपेक्षा से हो कयल गेल अछि। विद्यालय के पठन पाठन गुणस्तरीय बढ़ावा सप्तरी के एक सरकारी विद्यालय में पहिल बेर सीसीटीवी जड़ान कयल गेल अछि। राजबिराज स्थित श्री केशव अनिरुद्धवती माध्यमिक विद्यालय में सीसी कैमरा जड़ान कयल गेल अछि। सीसी कैमरा जड़ान करय वाला ई विद्यालय विद्युतीय हाजिरी के व्यवस्थापन सेहो करय लागल अछि। प्रधानाध्यापक फुलेश्वर मंडल आ व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा धीरू के पहल में शैक्षिक सुधार के लेल कक्षा कोठा लेखा प्रशासन लगाय तक कोठा में सीसी कैमरा जड़ान कयल गेल अछि। सीसी कैमरा कक्षा कोठा में विद्यार्थी के पढ़ाई शिक्षक के पढ़ाव के तौर तरीका में निगरानी राखत आ ऐसा अनुशासन से हो कायम करत प्रधानाध्यापक फुलेश्वर मंडल के विश्वास छैन। आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सामाजिक संजाल फेसबुक करोड़ों प्रयोगकर्ता के डाटा चोरी भेल में गलती स्वीकार कलक। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग अपन कंपनी के गलती भेल स्वीकार केने छथि। कैम्ब्रिज एनालिटिक के स्कैंडल सार्वजनिक भेलाक बाद ओ एहन प्रतिक्रिया देने छथि। ओ फेसबुक प्रयोगकर्ता के सामग्री तेसर पक्ष जानकारी नै लेब सक के व्यवस्था कर के प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छथि। जुकरबर्ग फेसबुक में आयल समस्या समाधानक लेल किछ प्रभावकारी काम कर के प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। फेसबुक में डाटा चोरी भेल खबर सार्वजनिक होबय लगले फेसबुक के शेयर में 8% गिरावट आयल छल। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के सहयोग करय वाला कैम्ब्रिज एनालिटिकल कंपनी फेसबुक के 5 करोड़ से बेसी प्रयोगकर्ता के जानकारी चोरी केने के आरोप सार्वजनिक भेल छल। अंत में मुख्य समाचार पुनः एक बेर। जनकपुर में एक पुरुष के सब भेटल कोनो सवारी साधन के ठक्कर से जान गेल पुलिसक अनुमान। एसईई परीक्षा शुरू परीक्षा करा मर्यादित अनुशासित बनाव जिला शिक्षा अधिकारी सुझाव। देश के तीव्र विकास के पाठ पर ल जाए सब प्रदेश सरकार के मिल का काम करा प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली का आग्रह। जनकपुर के विकास निर्माण में मुख्य बाजार के किछ घर सब अवरोधक स्वैच्छिक रूप में नहीं हटे लगता 10 कते से अतिक्रमण डोजर चलावा के जनकपुर मेयर के चेतावनी। डाटा चोरी भेल फेसबुक द्वारा स्वीकार फेसबुक प्रयोगकर्ता सामग्री तेसर पक्ष जानकारी नहीं लेब सक के व्यवस्था कर जुकरबर्ग के प्रतिबद्धता। बेस्ता अपन न्यूज एहिठाम सम्पन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखित रह अपन टीवी। नमस्कार।